अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। आज आप सभी पत्रकार भाई बहनों को बुलाने का मकसद यहाँ ये था, और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इस चीज़ को, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट खुलासे को सामने रखने के लिए मुंब्रा की जनता के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको बुलाने का मकसद ये है कि पिछले 5 सालों में, क्योंकि आने वाले अभी चुनाव को देखते हुए लोगों में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने जिसको चुनकर दिया था महापालिका के लिए, उन लोगों ने उनके लिए क्या काम किया है। मैं आपको बता दूं, देखने में आया है तो यहाँ पर 18 जो है वो एनसीपी के नगर सेवक है और दो जो है वो एमआईएम के नगर सेवक है। अब लोगों ने ये सोचा, लोगों ने ये बोला कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं है, तो लोगों ने एनसीपी को चुन के दिया, और उन लोगों ने कहा कि हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर और बाकी लोग जो अपने आप को बताते हैं विकल्प, और उनके जो दो कॉरपोरेटर यहाँ पर है एमआईएम के, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो ये डिटेल फॉर्म में, यहाँ पर ये पेज पर जो मेरे सामने अभी मौजूद है, ये थाने महानगर पालिका की वेबसाइट पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ये कोई मेरी मनधड़क कहानी नहीं है, ये मुस्लिम लीग ने कोई प्लानिंग नहीं की है, ये जो है एक सच्चाई है जो आपको थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसको सिर्फ हमने स्टडी किया है, और इसीलिए इसको स्टडी करने का एक्चुअली मकसद ये था कि जितने भी नगर सेवक हैं इनको चुन के इसीलिए दिया जाता है कि वो इन 5 साल में जो है जनता के लिए काम करें। और आपको मैं बता दूं, आप बोलोगे कि काम करने के लिए वो लोग तो गटर बनाते हैं, वो तो नाली साफ करते हैं, वो तो रोड बनाते हैं, वो तो ये करते हैं। आपको बता दूं कि हर नगर सेवक को जो है वो एक निधि प्राप्त होती है हर साल के लिए 2 करोड़ रुपए, जिसके अंदर उनको जो है वो अपनी मर्जी अपने वार्ड में जो काम है वो करवाने होते हैं, और कुछ जो है वो प्रभाग सुधार के लिए, यानी अपने वार्ड को सुधारने के लिए कुछ निधि मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हमने जिसको कुछ इन लोगों में से किसी किसी का टेन्योर जो है वो 15 साल का भी रह चुका है, 10 साल का भी रह चुका है, 5 साल का भी रह चुका है, ठीक है। मतलब एक टेन्योर रह चुका है 5 साल का, 15 साल का, 10 साल का, ऐसे। तो अब हमारे पास जो कुछ नगर सेवक यहाँ पर हम लोगों ने जिसको शॉर्टलिस्ट किया है, इसको मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग जो है महासभा में, देखिए जब आप महानगर पालिका में चुनते हो तो आपका काम होता है महासभा में जाकर अपने लोगों के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लाना। आप लोगों को निधियाँ तो ज़रूर मिलती है आपके लिए कि भाई आपके वार्ड में जो भी काम है उसको करो, लेकिन आपके वार्ड में आपको क्या नया करना है, क्या नई सुधार लानी है, और किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। जिस तरीके से अगर मैं थाना के जो है वो कॉरपोरेटर लोगों की बात करूँ, उस तरह थाना या आगे के इलाके की बात करूँ, तो वहाँ पर देखो लोगों ने बस डिपो की मांग की है, और मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल चाहिए, उनको थीम पार्क चाहिए, और उनको उनको ना आर्टिफिशियल जो है वो लेक चाहिए। यानी हम लोग कितना आगे, बाकी के लोग जो है वो कितना आगे बढ़ चुके हैं और कितना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी बस वो एनसीपी के नगर से कहीं ना कहीं आपको सिर्फ गटर साफ करते हुए मिलेंगे या तो रोड बनाते हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो काम है ये महासभा में जाके इन्होंने कभी नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सबसे पहले तो एमआईएम के दो नगर सेवक का, क्योंकि वो दो ही है, तो उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में 60 बार महासभा होती है, हुई है इस साल, मतलब इस 5 साल के टेन्योर में 60 बार हुई है, जिसके अंदर जो है हाजरा कमरुल जो है वो 37 बार प्रेजेंट हुई है, लेकिन उनका पार्टिसिपेशन 0 है। यानी उन्होंने महासभा में 0 बार कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ वहां जाएंगे, मुफ्त का लंच करेंगे, मुफ्त का जो है चाय पियेंगे शाम की, और निकल के वापस मुंब्रा आ जाएंगे। ये नगर सेवक का काम नहीं है। नगर सेवक का काम क्या है? महासभा में जाकर अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए बोले, और वहां पर नई नई चीजों की मांग करे, जिस तरीके से दूसरे इलाके के नगर सेवक करते हैं। उसी तरीके से दूसरा जो है एमआईएम के जो नगर सेवक है शालम आजमी, उन्होंने 48 बार जो है प्रेजेंट किया है, 12 बार एब्सेंट रहे हैं वो, और सिर्फ 1 बार बोला है, सिर्फ 1 बार बोला है। वो भी क्या बोला है कि किसी ने कोर्ट रिजर्व, उनके इलाके में जो है, मतलब आप बाईपास के उस तरफ जो रिजर्वेशन पास हुआ है इसका, कब्रिस्तान का, उसके मामले में बस इतना बोला है कि भाई कौन सा कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर, उनके इलाके में चल रहा है, उनको वो भी नहीं पता है कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने सिर्फ इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट पूरे जो है महासभा में नहीं दिया है। उसके बाद जब अगर हम बात करें मेराज खान, नादिरा सिंह हमारे खुद के वोट की जो है नगर सेवक है, शिमला पार्क की मैं बात कर रही हूँ। मैं शिमला पार्क में कम से कम 10 साल से रह रही हूँ, मैंने उनको आज तक कभी नहीं देखा रास्ते पे घूमते हुए, लोगों से बात करते हुए, किसी की प्रॉब्लम क्या है मैंने आज तक कभी भी इनको ये देखते जानते हुए नहीं देखा। दूसरी बात, और महासभा में नादिरा सुरमे जो है वो 32 टाइम जो प्रेजेंट हुई है, और 28 टाइम एब्सेंट था उनका, और सिर्फ 1 बार उन्होंने बोला है। और उसी तरीके से मेराज खान, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अगर मैं आपको बता दूं जिन नगर सेवकों ने कुछ भी नहीं बोला है, उसके अंदर जो है मेराज खान आते हैं, मोरेश्वर किन्ने आते हैं,
हसीना अब्दुल अजीज आती है, जिनका 2.5 साल में ही टेन्योर खत्म हो चुका था जो फर्जी सर्टिफिकेट की वजह से। तो ये सारे लोग और अभी जिसके जिन नगर सेवक ने बोले हैं बाई चांस कभी किसी मसले पे बोल दिए, वो भी क्या बोले हैं, वो सारी चीजें आपको जो है थाने महानगर की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो भी स्टेटमेंट आप बोलते हो ना वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, वो सारी चीजें आपको महानगर पालिका की साइट पर मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं, हफीजा नायक अभी जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर उन्होंने सिर्फ 3 बार बोला है। यानी आप क्या करना क्या चाहते हो, आपका जो काम है, आपको जो लोग है वो जिस काम के लिए हम लोग वहां पर भेजते हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे पास आप सच में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। मुमरा वालों को आप बोलना चाहिए क्योंकि जिनको भेजा उन्होंने तो क्या करके दिखाया वो आप लोगों के सामने है कि वो लोगों ने जो है वहां जाकर कुछ भी नहीं किया, ना आपके लिए मांग की, ना आपके लिए कोई बात की, ना आपके लिए कुछ मांग कर लाया वहां पर। क्योंकि देखिए निधि 2 करोड़ की जो कॉर्पोरेटर लोगों को मिलती है वो तो वैसे भी मिल जाएगी, आप घर पे बैठे रहोगे ना तो भी आपके पास जो है वो 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे और बोलेंगे भाई इसमें से जो है आप अपने एरिया का सुधार करो। लेकिन आपको जाके वहां मांगना है, जिस तरीके से MLA जो मांगता है असेंबली में जाके, लोकसभा में जाके हमारे MPs मांगते हैं हमारे क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, उसी तरीके का एक कॉर्पोरेटर का भी काम होता है। लेकिन अब बताइए, अब मांगने की बात तो ठीक है, नहीं मांगते कैसे मांगेंगे और किस मुंह से मांगेंगे ये बताइए। हर जो है उनके एरिया में और उनके वार्ड में जितनी भी जमीनें हैं हर किसी पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ रखा है। अब जब उनके पास जगह ही नहीं है तो किस मुंह से वहां जाकर मांगेंगे, और मुझे तो लगता है कि वहां पर वो भी उनको बोलेंगे कि आप किस मुंह से वहां पर मांग रहे हैं क्योंकि आपको जगह ही नहीं है बनाने के लिए। सही बात है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। मुमरा के और कौन कौन से ऐसे नगर सेवक हैं जिन्होंने मांगनी की और क्या क्या मांगनी की है? किसी ने कोई मांगनी नहीं की क्योंकि इसका जवाब मैं देता हूँ। ऐसे मुमरा के ऐसे कुछ नगर सेवक है जैसे शानू बडान है या अश्विन रावत है, इन्होंने महासभा में कुछ बोला लेकिन वो भी कभी गटर नाली या रोड या अपना शौचालय के बारे में उन्होंने कभी बात ही नहीं की, बस वो गटर नाली और रोड पे ही रह गए। अच्छा, जैसे उर्दू भवन लाइब्रेरी है, ऐसे सब तमाम ऐसे है, इन सब चीजों पर कुछ कभी बात कभी बात नहीं की है। NCP ने अपने कार्यकाल में बोलने के लिए ऐसी कोई 5 चीजें भी उनके पास नहीं है कि वो बोल सके 5 चीजें जो हमारे कार्यकाल में बोला। आप पत्रकार आप लोग हर चीज को अगर कवर कर दो उनको पूछना, एक कोई 5 चीजें कोई ऐसी बता दो जो आपके कार्यकाल में आई हो। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कैंडिडेट अगर चुन के आते हैं नगर सेवक में तो उनका प्लान क्या होगा, आप लोगों का इस बारे में प्लान क्या होगा जनता के लिए? देखिए नगर सेवक चुनकर आते हैं तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग ने जैसे हमारे यहाँ पर हम लोग एक रिहैबिलिटेशन सेंटर का हम लोग मांग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नशे में जो है हमारे यहाँ के उम्रा के जवान जो है बहुत ज़्यादा मुलव्वज़ हो चुके हैं। एक रिहैबिलिटेशन का हम लोगों ने सोचा है कि उसकी मांग करेंगे, और एक जो है ऐसा जैसे यह स्लॉटर हाउस बनने वाला था जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो है वहाँ पर नौकरियाँ मिल सकती थी, तो उसी तरीके से हम लोग कोई ऐसी वहाँ पर एक कंपनी का जो है हम लोग सोचते थे कि वैसा कुछ मांग करेंगे। प्लान्स बहुत सारे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी नहीं है, हम उसकी भी मांग करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और यहाँ पर जो है यानी आपका सीधा आरोप है मुमरा के जो जनता द्वारा चुने गए नगर सेवक है ये कुछ काम करते बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर भाई मैं आपको ये एक बात बता देती हूँ, ये पूरा ना इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने 5 साल में काम जो किया ना वो सिर्फ ये 20 से 30 पन्नों में आ गया। 5 साल का काम हमने इसको 20 से 30 पन्नों में निकाल दिया, तो सोचिए इन्होंने क्या काम किया होगा। ये सारी चीजें हम लोगों ने पूरे 60 महासभा में किसने क्या बोला, कौन कब एब्सेंट था, कौन से केस नंबर पे बात हुई, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोगों ने अपनी रेफरेंस के लिए हम लोगों ने इसमें बना के रखा है। और जहाँ पर देखा है कि पूरे 60 साल से ये बगैर आप सोचिए ना 5 साल के कार्यकाल को आपने 20 पन्नों में हमने समेट दिया, तो आप बताइए कि उन्होंने क्या काम किया होगा। और हम लोग ने जो डेटा निकाला है मुश्किल से 3% डेटा इधर से उधर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और हम लोगों ने अगर एक शब्द अगर झूठ लिखा हुआ ना ये लोग केस कर देंगे हमारे, हम झूठ नहीं बोल रहे, जो भी लिखा है वो महासभा की वेबसाइट पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए। और मैं चैलेंज कर सकती हूँ इस बात को, मैं इस बात को चैलेंज कर सकती हूँ कि किसी NCP का कोई भी नगर सेवक आकर बोल दे कि इससे ज्यादा हमने काम किया है, तो मैं तारीख दे दूं कि वो उस वक्त आएंगे फरज शेख आप आइए और हमको बताएं, हम आपको बता सकते हैं इससे ज्यादा काम किए। कोई नगर सेवक जो रह चुका है कोई नहीं बोल सकता कि हमने इससे ज्यादा काम किया है। ये मेरा चैलेंज है सबके लिए, महासभा में इससे ज्यादा बोला है कोई बोल ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है। नहीं देखिए यहाँ पर वो जो काम आप बता रही है ना वो जो है ना वो निधियों में से होता है क्योंकि उनके अलावा और कुछ काम, उनके पास सिर्फ गटर और नाले और रोड बनाने के अलावा। आपको मैं एक और बात इस बारे में बताना चाहती हूँ, जो रोड का इनफैक्ट वोटर बैंक बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं या उनको इम्प्रेस करने के लिए
जो गवर्नमेंट का जो मटेरियल होता है रोड बनाने का, वो प्राइवेट जगहों पे यूज किया गया है, उसके ऊपर भी केस हो सकता है। क्योंकि मैं शिमला पार्क के दो तीन एरिया की जगह में मैंने खुद सर्वे किया, मैंने देखा है वहां पर लोगों ने प्राइवेट रोड बना के दिया है कॉलोनी वालों को, कॉलोनी की जगह, कॉलोनी के पूरे फ्लैट है उनके, पीएमसी की बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्राइवेट वालों को बना कर दिया। तो ये गलत बात है, गवर्नमेंट की निधियों में से आप प्राइवेट एरिया के लिए यूज नहीं कर सकते उसको। वैसे तो मैं सवाल एक नगर, जब आपने देखा तो आपने क्यों नहीं कंप्लेंट किया? नहीं, हमने इस बार की कंप्लेंट किया, अब चल रहा है, देखिए अब उसके ऊपर क्या कहा कंप्लेंट किया उसकी कंप्लेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए मैं आपको बता दूं कि एक अगर ये सरकार की निधि है, अगर आपने उस चीज को देखा कि हाँ यहाँ इस्तेमाल हुआ है तो आपका काम है ना उस पे एक्शन लेने का। हमने देखे, मैं महापालिका, मैं आपको फोटो भी बता सकती हूँ, मैंने फोटो के साथ। और कौन सी कॉलोनी है उसका भी नाम बताइए ना। हाँ, उसका नाम कौन सी कॉलोनी है और कौन से नगर सेवक ने बताया है वो सब बताइए फिर। कॉलोनी के साथ फोटो के साथ हमने महापालिका फोटो के साथ नहीं हाँ। तो फिर अगर आप बता रहे तो हमको भी जानना जरूरी है, मुमरा के लोगों को भी जानना जरूरी है ना। अगर आपने पकड़ा इस चीज की जो है डिटेल दिए थे यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे पास कुछ फोटोज है। कहाँ का है वो फोटो? ये शिमला पार्क का एरिया है और यहाँ पर देखिए एरिया में कोई लोकेशन होगा ना आपका, वो नाम लेके, देखिए नाम लेके किसने बनाया था, कौन सी कॉलोनी है, जो है ये खराब हो गया, ये लोगों ने पूरा तोड़कर कंक्रीट ये करके खराब ये कर, वो सड्डा तोड़ के हाँ। बनाया, वो भी और मैं बताया किसने बनाया और कौन सी कॉलोनी है। शिमला पार्क में देखिए नागरा, एक मिनट मैं आपको इस चीज का बता दूं, शिमला पार्क में जो है नागरा सुन में जो एज ए नगर सेवक रह चुकी है उनका टेन्योर तो खत्म हो गया, लेकिन जो सरकार की निधि जो आती है जिसका काम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए होना चाहिए, ना कि प्राइवेट चीजों को सुधारने के लिए। तो सना गार्डन जो बिल्डिंग है वहां पर जो इसका काम हुआ है। दूसरी बात, शिमला पार्क गार्डन के जो पीछे तरफ जो फला कॉम्प्लेक्स की तरफ आता है वहां पर वॉशरूम हुआ करता, टॉयलेट शौचालय हुआ करता था, उसको तोड़ के उन्होंने अपने पर्सनल यूज करके और उसमें आधा उस गाले को आधा करके आधा जो है वो किसी स्लॉटर हाउस के लिए किसी को दिया है और आधी चीजें जो पार्किंग के लिए यूज हुई, ये गलत है। ये आपने शौचालय को तोड़कर जो है, इसकी कंप्लेंट मैंने मुमरा प्रभाग समिति में भी की, इसका लेटर मेरे पास मौजूद है कि मैंने फोटो और वीडियो के साथ जो है वहाँ पर उसने कंप्लेंट की थी, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं हुआ तो उसका आपने फॉलो अप लेना भी बंद कर दिया। फॉलो अप ले रहे हैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुस्लिम लीग किसका भी फॉलो अप छोड़ती नहीं है, जो काम हाथ में लेती है वो एंड तक करती है, और अगर हमने वहाँ पर दिया है तो उसका फॉलो अप भी ले रहे हैं, उसका भी होगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ, लेकिन हम लोग ने अपनी तरफ से कंप्लेंट दे चुकी है वहाँ पर। हमारे हाथ बन जाते हैं, एंड ऑफ द डे जो मामला जो साहब के पास आता है या गोसावी साहब के पास आता है वो हमारे हाथ में। आपको तो ये भी पता होगा कि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो है वो गोसावी साहब भी मुलव्वस है हर चीजों में। आपको ये भी पता है कि मुस्लिम लीग ने उनके ऊपर लोक आयुक्त में जो है वो कंप्लेंट भी किया, वहाँ पे भी उसका केस चालू है। उसके अलावा उसके साथ साथ जो है सागर सालों के भी उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने उनको उस चीज का भी एविडेंस दिया कि वो भी, जब ऊपर ही जो प्रभाग समिति है वही पूरा करप्शन का अड्डा है, तो आप बताइए कि कौन से नगर सेवक है वो किसकी बात है, वो टाल सकते हैं, उनकी बात टाल सकते हैं, वो लोगों को जो करना है वो अपनी मर्जी में। तो इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अब बस हुआ मुमरा वालों, अब बस हुआ, अब 5 साल 10 साल वेस्ट गए, पूरे वेस्ट गए। ना MIM आपके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हुई है, ना NCP आपके लिए एक अच्छी पार्टी साबित हुई है। अब जो है मौका आप लोगों को मुस्लिम लीग को देकर देखना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग में मैं आपसे वादा करती हूँ इस बात के लिए कि अगर मुस्लिम लीग के नगर सेवक आते हैं सारे पढ़े लिखे हैं, सारे समझदार हैं, सारे कौम की दर्द रखते हैं, क्योंकि कौम का दर्द रख रख के तो MIM ने भी बहुत लोगों को वादा की थी, 3 रुपये लीटर पानी देंगे और बहुत सारी चीज़ों के वादे हुए थे, लेकिन कुछ भी जो नगर सेवक एक महासभा में बोल नहीं सकता वो 3 रुपये पानी क्या ला कर देगा हमको। मैम जैसे कि अभी आपने कहा कि जो करप्शन है वो ऊपर से चलते आ रहे हैं, तो अगर मुस्लिम लीग से ही कोई कॉर्पोरेटर बनता है तो वो क्या ऊपर वालों से लड़ाई करेगा? लड़ाई तो हम अभी भी कर रहे हैं, हम तो ऊपर के अधिकारी हर अधिकारी से हम लड़ाई कर रहे हैं, हर अधिकारी के साथ हमारा जो वो केस छिड़ा हुआ या तो लोक आयुक्त में या तो हाईकोर्ट में, और अभी कुछ और मामले के लिए हम और हाईकोर्ट भी जाने वाले हैं। नहीं, नीचे के अगर ऑफिसर करप्ट है तो इसके लिए आपने TMC कमिश्नर से कुछ इस बारे में हमने बात... कमिश्नर को दिया, हमने जितने भी नीचे अधिकारी होने चाहिए उन सारों को देते हुए वहाँ पर कुछ काम नहीं बना, इसलिए हम आज लोकायुक्त में लड़ रहे हैं।